এবার ইসলামপুরে পেয়ে যাচ্ছেন লাইট মেডাল বোর্ড। যে কোনো রকমের প্রতিষ্ঠানের মেডাল ও লাইট বোর্ড বানাতে হলে চলে আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে ফাইন মেটাল ওয়ার্কস, আশ্রমপাড়া মোড়, নিয়ার পেট্রোল পাম্প, ইসলামপুর। স্টুডিও ইন্ডিয়াতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে বিস্তারিত খবরে, লোধন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উদযাপিত হলো ডক্টর দিবস। উপস্থিত বিএমওএইচ জেলার পূর্ত কর্মদক্ষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা শুক্রবার দুপুরে গোয়ালপুকুর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত লোধন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে উদযাপিত হলো ডক্টর দিবস। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলার পূর্ত কর্মদক্ষ গোলাম রসুল মনি, লোধন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিএমওএইচ আব্দুল বারি, যুব নেতা নাফে হাবিব, স্বাস্থ্য কর্মদক্ষ আহমেদ রেজা সহ সহকারী সভাপতি শাব্বির এহসান, বিপিসি মোহাম্মদ নুরুল আমিন, পিএইচএন সহ একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। ভালো, পুরা ভালো। স্যার, আজ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কা ডেথ আর মৃত্যু দিবস একই দিন মে ক্যা বোলেঙ্গে ইস বারে মে? আজ কা আজ হাম লোগ ইয়াহা পর বিধানচন্দ্র রায় জি কা হাম লোগ ইয়াহা পর ফুল চড়ায়ে, উনি কা জন্মদিন, মৃত্যু দিন সব একসাথ হাম লোগ মানা লিয়ে ইয়াহা পর, সবই কো ইয়াহা পর হ্যায়, আর হামারে সহকারী সভাপতি সব ভি হ্যায়, বিএমএইচ ভি হ্যায় ইয়াহা পর, হামারে হেলথ কে কর্মাধ্যক্ষ রিভেঞ্জেটিভ আহমদ রাজা ভি হ্যায়, নাফে হাবিব আর হামারে ছাত্র কে লড়কা সে সবই ইয়াহা পর মৌজুদ হ্যায়। ইয়াহা পর হাম লোগ আজ বিধানচন্দ্র জি কা জো বার্থডে হ্যায় और फूल दान किए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जितने भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं बा चीफ सेकंड चीफ मिनिस्टर भी है हमारा, हम लोग आज यहाँ पर उसका फूल का माला दान किए सभी को मिल करके, सभी मिठाई अच्छा लग रहा है। आज आज डॉक्टर डे भी है। हाँ, और डॉक्टर डे भी इस बारे में डॉक्टर सबको क्या मैसेज देंगे? हम जितने भी हमारे पश्चिम बंगाल के, हमारे ग्वालपुर के डॉक्टर्स हैं, हमारे भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं, आज डॉक्टर डे है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन लोग अच्छी तरह से अपने काम निभाते हैं और चिकित्सा बहुत अच्छी तरह से करते हैं सभी का, इसलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर डे है आज, अच्छा लग रहा है और सभी को मिलके हम लोग यहाँ पर आज डॉक्टर डे भी और हमारे विधानचंद्र राय जी की हाँ बर्थडे भी मनाए हम लोग, और हाँ और डेट डे भी एक ही दिन हम लोग मनाए, खूब अच्छा लग रहा है। सर, आज के बारे में बोलिए, आज के दिन के बारे में। आज सिर्फ विधानचंद्र राय का जन्मदिन नहीं है, आज डॉक्टर डे भी कहलाता है। डॉक्टर्स का जो बुनियाद डाला था जो हिंदुस्तान में, उस विधानचंद्र राय का जन्मदिन पर हॉस्पिटल के तमाम नर्स, मेडिकल ऑफिसर से शुरू करके, पीएचएन से शुरू करके, एएनएम से शुरू करके, आशा दीदीमुनि से शुरू करके, कोविड वॉरियर जितना भी है, कोरोना के दो साल में जिस तरह से ये लोग हम लोग को सेवा दिए हैं, हम लोग ग्वालपोखर के लोग सिर्फ नहीं, उत्तर दिनाजपुर के हर बासिंदा जो कोविड से लड़ करके आज हम लोग जिंदा है, हम लोग खुदा के साथ साथ हम लोग अपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शुक्रगुजार करेंगे कि आज हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं, आप लोगों के सामने में खड़े हैं। विधानचंद्र राय का जात किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब पश्चिम बंगाल में आपका प्रफुल्ल चंद्र घोष के बाद से दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था और मुख्यमंत्री के कालीन पर ही उनका ही मृत्यु हुआ था और इंतकाल किए थे 1964 में। भारत रत्न हिंदुस्तान की सबसे बड़ी
जो रतन बुलाता है, जिसको अवार्ड बोला जाता है, उससे उनको नवाजा गया। हिंदुस्तान की सरकार ने उसको नवाजा था। और उनके पढ़ाई जो MBBS का पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बाद, FRCS का पढ़ाई लंदन से करने के बाद, जब हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान की माली हालत बहुत खस्ता था, पश्चिम बंगाल का माली हालत बहुत खस्ता था। तब उसने बंगाल के बागडोर को संभाला और बंगाल को एक नए दौर की तरफ, नए एक कामयाबी की तरफ, नए एक तरक्की की तरफ जब बंगाल को लाया। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5वीं मुख्यमंत्री है, प्रफुल्ल चंद्र घोष, विधान चंद्र घोष, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में पहला मुख्यमंत्री जो है, जो महिला के तौर पर हम लोग ममता बनर्जी को पाए हैं। हम लोग शुक्रगुजार करते हैं कि ममता बनर्जी की हुकूमत का जो युवाओं से लेके, छात्रों से लेके, महिला से लेके, INTU से लेके, सबको एक तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। और हम लोग आने वाला दिन में ममता बनर्जी के हुकूमत में जिस हिसाब से हम लोग पीस हैं, रथ का शुभ यात्रा है, रथ हो रहा है, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा आज शाम को निकलेंगे। हम लोग रथ का शुभेच्छा और भलोबासा ग्वाल पोखर के इस पवित्र मिट्टी से, हिंदुस्तान के इस पवित्र मिट्टी से, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारगी का जो मिट्टी है, ये बरकरार रहे और सुकून का हिंदुस्तान चाहते हैं, अमन का हिंदुस्तान चाहते हैं जी। और सुनिए ना सर, बोलते हैं COVID-19 तक अभी तक जो नर्स और डॉक्टर सब का एक अहम भूमिका रहा, आज के दिन में क्या मैसेज देंगे? सिर्फ डॉक्टर या नर्स का भूमिका नहीं रहा, प्रेस मीडिया भी रात दिन सात दिन जिस हिसाब से COVID-19 में गए हैं, रिपोर्ट किए हैं, सिविक वॉलेंटियर से शुरू करके, ASI से शुरू करके, SI से शुरू करके, पुलिस प्रशासन से शुरू करके, 24x7 एम्बुलेंस का ड्राइवर भी जिस हिसाब से ये लोग कोविड के पेशेंट को उठा के लेके गए हैं, क्वारंटाइन किए हैं, हम लोग शुक्रगुजार करते हैं कि इन लोगों की वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। आज के दिन के बारे में क्या बोलेंगे सर? आज का दिन बहुत अहम है, खूब गुरुत्वपूर्ण दिन है। 1947 সালে ভারতবর্ষ আমাদের স্বাধীন হয়, তারপরে প্রথম চিফ মিনিস্টার প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় চিফ মিনিস্টার ডক্টর বিসি রায়, তার জন্মদিন আজকে, এবং মৃত্যু দিবস, দুটা একসঙ্গে একই দিনে দুইটাই হয়েছে। যাই হোক, আজকে দুজন BPSC-তে সবাই উপস্থিত আছেন, আমাদের পিটারবুর বিক্রমাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদ মেম্বার মুনি কিল্লা গোলাম রসুল, এখানকার DOMH হেলথের কর্মাধ্যক্ষ নাসু হাবিব, সবাই উপস্থিতিতে আজকে আমরা এখানে জন্মদিনও পালন করলাম, এবং ডক্টরস ডে যেটা হয় সেই ডক্টরস ডেটা এখানে একসঙ্গেই পালন করা হলো। ধন্যবাদ सर। आज के दिन के बारे में बोलिए कुछ। नहीं देखिए, आज तो डॉक्टर्स डे है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1992 में, जो हमारे डॉक्टर विधान राय को पहला बंगाल का पहला वो चीफ मिनिस्टर, सेकंड चीफ मिनिस्टर थे या डॉक्टर थे, जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था आज, मैंने 1992 में। आज 1 जुलाई को उनका पैदाइश भी था और 1 जुलाई को उनका इंतकाल भी हुआ था। आज पूरे हम लोग ग्वालपोखर में यहाँ पे मनाए, डॉक्टर्स लोग, BMS साहब मौजूद थे, PHN मैडम है यहाँ पे मौजूद, और सिस्टर लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे सबको थे, और जीवों के पूरे लड़के आए हुए हैं, हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, अशरफी भाई हैं, अब यहाँ पे पुट्टो के कर्मोदक्ष गुलाम रसूल साहब मौजूद थे, सहकारी साहब थे, नाफे भाई थे यहाँ पे। और आज एक आने के बाद यहाँ पे एक और भी एक खुशी की बात है, जो हमारे पुट्टो के कर्मोदक्ष हैं वो बोले कि MLA लेट से जो यहाँ का जो हम लोग का BPSC का जो गेट है, उनका गेट का यहाँ पे बोले कि नहीं गेट बनाना होगा यहाँ पे, BMO साहब को भी बोल दिए, और इंजीनियर साहब से भी बात किए, जो यहाँ पे MLA लेट से यहाँ पे कम से कम 5 लाख के लागत में एक यहाँ पे गेट बनाया जाएगा, जो हम लोग का ब्लॉक के गेट बना हुआ है, डिजिटल टाइप का गेट होगा। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। आज के আপনাদের লদন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই যে ডাক্তার দিবস উদযাপন করা হলো, আপনি এই নিয়ে কি বলবেন? ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় ওনার এই অনারে, মানে তার সম্মানে, এটা পুরো শুধু মানে আমাদের রাজ্যতে না, পুরো ভারতবর্ষে মানে ডক্টরস ডে একটা যেটা পালন করা হয়েছে ওনার সম্মানে করা হয়েছে। উনি একজন অনেক বড় ডাক্তার ছিলেন, লোকের সেবা করেছেন, এবার যেটা আগেও বললেন সেকেন্ড আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন, মানে উনি পাবলিক সেবাটাই সব থেকে মানে সেটা ওই জীবনটাই পুরো সমর্পিত করে দিয়েছিলেন। ওনার চিকিৎসার ক্ষেত্রে হোক, অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে হোক, শুধু চিকিৎসাটাই তো পাবলিকের মানে কি বলবো মানে ভালোর জন্য না, সব ক্ষেত্রেই উনি অ্যাজ এ যেটা চিফ মিনিস্টার হয়েছিলেন সে হয়েও করেছেন, কিন্তু অ্যাজ এ ডক্টর ওনার এতটাই উনি নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন, তার জন্যই পুরো আজকে ভারতবর্ষে ওনার সম্মান দিয়ে ওনার অনারে এই ডক্টরস ডেটা পালন করা হচ্ছে। ধন্যবাদ।